हेलो गाइस, वेलकम टू एडिटिंग का फंदा। मान लो आपके पास एक क्लिप है जो आपने कलर ग्रेड कर रखी है, एंड आपके पास जो और क्लिप हैं वो कलर ग्रेड हो नहीं रखा है उसमें। तो आप चाहते हैं कि वो जो कलर ग्रेड है वो सभी क्लिप्स पे अप्लाई हो जाए। तो हम इसी वीडियो में जानेंगे कि फिल्मोरा एक्स में एक चुटकी में कैसे कलर ग्रेड करें सारी फुटेजेस को। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना, जब तक देखो लोगो। सबसे पहले आप फिल्मोरा एक्स ओपन कर लो। अब की बार फिल्मोरा एक्स में एक नया फीचर आया है जिसमें आप ऑटोमेटिकली कलर ग्रेड कर सकते हो एक ही क्लिक में, जो आपकी रेफरेंस कलर ग्रेडिंग है। अब मैं बताता हूँ कैसे। जैसे मेरे पास फुटेज है, देखो, इसमें कलर ग्रेड नहीं है, इसमें भी नहीं है, एंड जो थर्ड क्लिप है इसको मैंने थोड़ा सा येलो कर दिया है, ठीक है ना, जिससे आपको मैं समझा सकूँ। अब जैसे मान लो ये मैंने कलर ग्रेड कर रखा है इस पर, इस फुटेज में। तो कलर ग्रेड करने के लिए सबसे पहले आप क्या करो, इन सारी क्लिप्स को सिलेक्ट कर लो। ठीक है, तो जैसे सिलेक्ट कर लोगे उसके बाद राइट क्लिक करो, एंड यहाँ पर लिखा है ऑल्ट एम कलर मैच। ऑल्ट एम शॉर्टकट है उसका। तो यहाँ पर आपको दो विंडो दिखेंगी, एक रेफरेंस एक करेंट। रेफरेंस में आपको वो क्लिप चूज़ कर लेनी है जिसमें आपका ऑलरेडी कलर ग्रेड हो चुका है। जैसे आप चाहते हो ये येल्लो कलर जो मैंने कर रखा था ये सभी क्लिप्स में अप्लाई हो जाए, तो आप क्या करेंगे, ये जो मैच है इस पर क्लिक कर देंगे। तो फिल्मोरा सारी क्लिप्स को एनालाइज करेगा एंड एक चुटकी में सारे को इसी जैसा बना देगा। अब ओके कर दो। अब देखते हैं सारी क्लिप्स वैसी हो चुकी है नहीं हो चुकी। देखो अब ये येल्लो हो चुकी है, उसने उसी जैसा मैच कर दिया। ये येल्लो हो गई, ये भी येल्लो हो गई, एंड ये भी येल्लो हो गई। ठीक है, तो इसने इसी जैसे को सब क्लिप में डाल दिया, कलर ग्रेड इसी के हिसाब से कर दिया ऑटोमेटिकली। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जो नीचे बटन दिख रहा है उसे दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों को, जिससे वो अपनी स्किल को और बढ़ा पाएँ, एडिटिंग की स्किल को। ठीक है, हम मिलते हैं अगली बार। बाय बाय।